हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वीक और आपका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जो कि आपके पीसी में मस्ट होना चाहिए भाई। अगर आपके पीसी में ये सॉफ्टवेयर्स नहीं है तो इसे इंस्टॉल करना, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा काम आने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आप कोई भी नया पीसी ले रहे हैं या फिर आपको नहीं पता कि पीसी में कौन सा सॉफ्टवेयर डालना चाहिए, या फिर आपको नहीं पता कि मैं नया नया पीसी लाया हूँ इसमें पहला सॉफ्टवेयर कौन सा डालना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ऐसे 10 बताने वाला हूँ सॉफ्टवेयर जो कि आपको डालनी है, क्योंकि ये सब आपका बाद में काम आने वाले हैं, आज या फिर नहीं तो कल। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। 200 सब्सक्राइबर मैं सोचता हूँ कि पूरे करने ही है भाई इस साल के एंड तक, हमको 200 सब्सक्राइबर जैसे भी करना है। तो यार जैसे भी करके शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और ऐसे प्यार दिखाते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सॉफ्टवेयर की तरफ। उसका नाम है यार ब्राउजर, मतलब कुछ भी ब्राउजर कर लो, गूगल क्रोम भी कर सकते हो या फिर ब्रेव ब्राउजर भी कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ ब्रेव ब्राउजर डाउनलोड करो, क्योंकि यहाँ पे ऐड बिल्कुल नहीं आता है। मतलब अगर आप YouTube में सर्फिंग करते हैं या फिर आप कोई भी वेबसाइट में जाते हैं जहाँ पे ऐड पॉपअप्स होता है, तो वो सब ये आने ही नहीं देता है। मतलब अगर आप YouTube वीडियोस भी देख रहे हैं तो उसमें ऐड नहीं आता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ब्रेव ब्राउजर इंस्टॉल करो, या फिर आपके पीसी में पहले से माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउजर पहले से रहता है। अगर आपके पास विंडोज 10 है या फिर विंडोज 11 है या फिर विंडोज 8 है, तो आपका मैं देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज जो रहेगा वो पहले से इंस्टॉल होकर रहेगा। तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ हर बार की तरह ब्रेव ब्राउजर, क्योंकि यहाँ ऐड बिल्कुल नहीं आता और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो अगर आपका कुछ भी काम रहेगा तो सबसे पहले आप सर्फिंग ही करेंगे, अगर आपको कुछ डाउनलोड भी करना है तो आप ब्राउजिंग ही करेंगे ना। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ आप ब्रेव ब्राउजर इस्तेमाल कीजिए, डाउनलोड भी बहुत अच्छा यहाँ हो जाता है और यहाँ ऐड आता नहीं है, जो कि सबसे बढ़िया बात है। अब अगर दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़े तो उसका नाम है यार ड्राइवर पैक। अगर आप नया पीसी लाए हैं या फिर आप खुद असेंबल किए हैं तो आप जानते हैं कि सबका ड्राइवर लाना कितना मुश्किल होता है। हर एक चीज़ का आपको ड्राइवर को अपडेट करना होता है, चाहे वो आपका मदरबोर्ड हो या फिर उसका मॉनिटर हो या फिर कुछ भी हो, तो उसका ड्राइवर को हमको अपडेट करना पड़ता है। तो एक एक करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वेबसाइट में आ सकते हैं driverpack.io नाम का, यहाँ से आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं और ये खुद लगाएगा, पता लगाएगा कि आपके पीसी में कौन कौन सा ड्राइवर आपको चाहिए और ये डायरेक्टली बंच में सबको इंस्टॉल करता है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ इस वेबसाइट में आना ड्राइवर पैक, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली सारे बंच में आपको सारे आपको ड्राइवर्स मिल जाएंगे एक ही बार में। तो बहुत ईजी है, अगर आप पीसी फॉर्मेट कर रहे हैं तो आप इसे डाउनलोड कीजिएगा पहला, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ड्राइवर्स होता है। तो ड्राइवर कर लेंगे तो आपका पीसी जो रहता है वो पूरा फुल्ली अपडेटेड रहता है और बहुत ज़्यादा अच्छे से चलेगा, तो इसे कर लेना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे एप्लीकेशन की तरफ का नाम है यार VLC। मतलब अगर आपको मूवीज़ देखना है या फिर कुछ भी देखना है, कुछ भी वीडियो प्ले करना है, ऑडियो प्ले करना है, तो यार VLC तो ज़रूरी है ही। और VLC मैं इसलिए रेकमेंड भी कर रहा हूँ क्योंकि VLC एक ओपन सोर्स वीडियो प्लेयर है, तो आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे आपको फ्री का VLC मिल जाता है, बस आपको डाउनलोड करना है, कुछ 40 MB का होता है और हर PC में ही चलता है। मतलब आप जितना भी पुराना से पुराना विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, जितना भी चाहे पुराना ले लो, VLC सब में वर्क करता है। तो VLC आपको ज़रूर रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब अगर हम तीसरे सॉफ्टवेयर की तरफ, तो उसका नाम है MS Office। ज़्यादातर लोग इसे खरीद के नहीं चलाते हैं, ज़्यादातर मैं जानता हूँ कैसे चलाते हैं क्योंकि मैं खुद पर्सनली उसे उसी तरह चलाता हूँ। तो आपको MS Office डाउनलोड कर लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि आपके पास पैसे नहीं रहते, इसे बाय करना पड़ता है। तो उसके अलावा मैं बता दूं कि आप लिवरेज ऑफिस नाम का सॉफ्टवेयर है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी MS ऑफिस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे आपको ओपन सोर्स है ये, तो आपको ये फ्री का मिल जाता है और आपको इसके लिए पैसे देने नहीं पड़ेंगे। तो आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं लिवरेज ऑफिस, या फिर आपके पास पैसे हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी बाय कर सकते हैं। आजकल जो भी आप लैपटॉप बाय करेंगे वहाँ पे आपको MS ऑफिस फ्री का मिल जाता है, और अगर आप स्टूडेंट ID कार्ड लगाते हैं तो आप को ऑफिस 365 मतलब लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री मिल जाता है। तो आप जरूर इसे लगाना और आपको मिल जाएगा MS ऑफिस। ज़्यादातर लोग तो इसे पायरेट ही करते हैं, तो अगर आपको चाहिए पायरेट करना तो आप पायरेट कर सकते हैं, मैं पायरेसी सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो बढ़ते हैं अपने पांचवें सॉफ्टवेयर की तरफ, जिसका नाम है यार Adobe Acrobat। तो अगर आपके पास कुछ भी PDF है या फिर कुछ भी आपको PDF एडिट करना है या फिर कुछ भी PDF रिलेटेड कुछ भी काम रहता है या फिर कुछ रीड करना है, तो आपको Adobe Acrobat रीडर आपको डाउनलोड करनी चाहिए। ये भी पैसा वाला है, लेकिन आप इसे फ्री का डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कुछ कुछ ट्रायल वर्जन आता है तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना तो ज़्यादातर लोग पायरेट ही करते हैं यार। ज़्यादातर इसमें से जो भी पैसा वाला ऐप है सारे पायरेट ही करते हैं लोग, कोई खरीद को उतना नहीं करता है इंडिया में। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना अगर आपको पसंद है तो, और अगर आप इसका फ्री वर्जन लेने जाएंगे तो इसे तो आप फ्री का डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रो अगर चाहिए जिसमें आप एडिट उडिट ये सब कर सकते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, वरना आप फ्री का PDF तो आराम से रीड कर ही सकते हैं इसमें। तो पांचवा सॉफ्टवेयर Adobe Acrobat रहेगा। अब 6 सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़े तो उसका नाम है WinRAR।
अब ये क्या काम आता है, ये काम आता है अगर आप कुछ भी कंप्रेस कर रहे हो या फिर आपको कोई भी चीज़ को रार फाइल में या फिर जिप फाइल में कन्वर्ट करना है तो आप विनरार से कर सकते हैं। ज़्यादातर कुछ भी अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो विनरार में आता है, कोई भी बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर या फिर ISO फाइल में आता है, तो उसके लिए आपको विनरार सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा काम आने वाला क्योंकि उसे एक्सट्रैक्ट करवाएगा। तो आप इसे भी कर सकते हैं विनरार, या फिर आप 7zip नाम का भी कर सकते हैं, ये भी फ्री है और विनरार भी आपको फ्री मिल जाएगा, दोनों ही फ्री है। तो आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छा कंप्रेसिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं वो टाइप का है। तो दोनों ही फाइल आर्चीवर एप्लीकेशन है, तो दोनों ही को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विनरार और 7zip। लेकिन ज़्यादातर मैं तो विनरार इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि विनरार मुझे शुरू से अच्छा लगता है, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब 7th नंबर सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़े तो इसका नाम है गिम्प, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं फोटोशॉप, लेकिन फोटोशॉप है पेड, तो आप ज़्यादातर गिम्प की तरफ जाइएगा क्योंकि गिम्प है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये आपको फ्री मिल जाता है पूरा। तो यही अच्छा होता है यार ओपन सॉफ्टवेयर्स का कि आपको ये फ्री का सब चीज़ दे देते हैं, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा गिम्प नाम का। अब ये है क्या, अब ये ग्राफिक एडिटर है या फिर आपको कुछ भी फोटोशॉप रिलेटेड जैसा होता है ना, फोटोशॉप पेड आता है लेकिन गिम्प उसका फ्री अल्टरनेटिव वर्जन है और ओपन सोर्स है, तो इसे डाउनलोड करना। और गिम्प ज़्यादातर आपका जितना भी लो एंड पीसी हो उसमें वर्क कर जाता है, लेकिन फोटोशॉप जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है। और हर किसी के लिए ये सॉफ्टवेयर मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि किसी को काम उतना नहीं रहता है इमेज एडिटिंग का, ज़्यादातर लोग का तो काम रहता ही नहीं है इमेज एडिटिंग का, अगर रहता भी है तो कुछ आप ऑनलाइन कुछ एडिटर से कह सकते हैं जैसा कानवा का आता है। तो आप अगर इसे नहीं भी चाहे इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग का मन रहता है कि भाई हम पीसी ले रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत फोटो एडिटिंग सीख जाए, तो उनके लिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ गिम्प नाम का सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर। मैं खुद पर्सनली इसे अपना थंबनेल भी कभी कभी बनाता हूँ, तो आप इसे रेकमेंड मतलब डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा है। 8th सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़े तो उसका नाम है सी क्लीनर। अब यार इतना सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, इतना सारा चीज़ आप करोगे तो उसमें कैचे भी जमेंगे और बहुत सारे अलग अलग चीज़ भी आएंगे, तो भाई अब हमको उन सबको क्लीन भी तो करना है ना, तो सी क्लीनर उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सी क्लीनर डाउनलोड कीजिए। और ये बहुत ज़्यादा आपके पीसी को ऑप्टिमाइज़ कर देता है, ट्यून कर देता है और बहुत ज़्यादा कैचे जो होता है वो सबको क्लीन करता है, तो आप सी क्लीनर को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं रेगुलरली इसे इस्तेमाल करता हूँ, 2-3 दिन में तो इसे रन करता हूँ और इसका जो रजिस्ट्री रहता है या फिर कुछ भी रहता है तो मैं उसे क्लीन करता रहता हूँ, और ये भी फ्री एप्लीकेशन है तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर 9th सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़े तो उसका नाम है यार एंटीवायरस, कोई भी एंटीवायरस डाउनलोड कर लो, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आप विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 में हो तो आपको ज़रूरत नहीं है यार, क्योंकि आपके पास पहले से अपने विंडोज़ में ही आता है विंडोज़ डिफेंडर और वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं तो खास कर कहता हूँ कि वही इस्तेमाल करो, लेकिन कई कई लोग होते हैं कि जिनको चाहिए होता है अलग से, मतलब उतना भरोसा नहीं होता और उनको चाहिए एक एंटीवायरस, तो उनके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ K7 सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसके लिए भी पेड आ चाहिए, तो मैं तो जानता हूँ आप कैसे कर लोगे। और दूसरा है क्विकहिल, क्विकहिल तो यार सबसे ज़्यादा फेमस है और क्विकहिल तो ज़्यादातर सारे लोग करते हैं, तो आप क्विकहिल और K7 को डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों ही पेड है लेकिन आपको कुछ दिन के लिए ट्रायल मिल जाएगा, तो आप इन दोनों को ट्राई कीजिए। और इसका भी अलग तरीका है जिससे आप पूरा लाइफ टाइम के लिए कर सकते हो, लेकिन रेकमेंडेड नहीं है, वीडियो में बोल नहीं सकता, तो आप ज़रूर इन लोग को भी ट्रैक करना। अब अगर लास्ट सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़े तो उसका नाम है IDM। अब यार IDM आजकल कौन इस्तेमाल नहीं करता है, जिनका डाउनलोडिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है और वो बड़े बड़े फाइल्स डाउनलोड करते हैं जैसे 2GB, 3GB, 4GB या फिर छोटे फाइल्स भी डाउनलोड करते हैं जैसे 200MB का, तो उनके लिए IDM यार सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइल्स डाउनलोड कर देता है। और मैं तो खुद पर्सनली इसे IDM इस्तेमाल करता हूँ, IDM के लिए भी आपको बाद में फ्री ट्रायल के बाद पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन इसका भी जुगाड़ है जो कि आप जानते ही हैं। तो ज़्यादातर जितना भी मैंने सॉफ्टवेयर बताया सबका जुगाड़ है ओपन सोर्स वाले को छोड़ के, तो आप सभी को जरूर ट्राई करना। ये 10 मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स बताए हैं, ये 10 मैंने ऐसे सॉफ्टवेयर बताए हैं जिनको आपके पीसी में होना ही चाहिए, क्योंकि जितना भी मैंने सॉफ्टवेयर बताया आप खुद देख सकते हैं कि सबका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके, ये आज नहीं आएगा तो कल तो ज़रूर काम आने वाला है। तो इन सॉफ्टवेयर सबको ज़रूर इंस्टॉल करना, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं। और अगर आपको फोटोशॉप नहीं चाहिए या फिर कुछ ऐसा नहीं चाहिए तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं बाकी, लेकिन तो जितना मैं जानता हूँ कि वो सब बहुत ज़्यादा आपका काम आने वाले हैं। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटर हैं, आपको फोटो एडिटर हैं, तो ये सब शायद आपके लिए काम ना आए, तो आप अपने हिसाब से भी देख लीजिए, लेकिन जैसा मैं बताया हूँ वो सब नॉर्मल यूज़र्स के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यार आज की वीडियो में इतने ही, उससे पहले यार मैं बता दूँ कि मैंने बहुत सारा
वीडियो अपलोड कर दिए अपने चैनल में। यहाँ पे आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आई बटन में जाइए और मैंने बहुत सारा वीडियोस को वहाँ पे डाला है। मैंने HTML सीरीज़ बनाया, मैंने फोटोग्राफी सीरीज़ बनाया और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के वीडियोज़ बनाए हैं, शॉर्ट्स बनाए हैं, जाके उन सबको भी देखिए और वो सब भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जैसे इस वीडियो था, और सिर्फ बाकी सभी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो उन सबको भी ज़रूर चेकआउट करना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जितना हो सके। और तो मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार गुड बाय।